और ये बात अंत में आ गई, मैंने उस मन से कहा था। और आज साथियों माने भाई मुख्यमंत्री बनी तो आपके सामने देखिए, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे साहू जी महाराज हो और बाबा साहब हो, सभी महापुरुषों को सम्मान वहां पर। और ऐसा ही हम सब चाहते हैं कि ऐसा ही सम्मान हमारे बाबा साहब को महाराष्ट्र में भी मिले जाते हैं। जो इंडोमिल में कल निकला होकर के मैं देखा कि चैत्य भूमि में तो कुछ भी नहीं, छोटी सी जगह में चैत्य भूमि को बनाया हुआ है। और ये वाकई हम लोग बाकी सारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अगर बाबा साहब की चैत्य भूमि उत्तर प्रदेश में होती तो आधा उत्तर प्रदेश को हम बजा लेते साथियों, इतना भविष्य बनाते साथियों। लेकिन साथियों बाबा साहब की कर्म भूमि है और महाराज मध्य प्रदेश की जन्मभूमि है साथियों, लेकिन दोनों जगहों पर हम बाबा साहब की विचारधारा को बनाते नहीं देते, हम पढ़ते हुए देखते हैं। बाबा साहब के सिद्धांत है संघर्ष करो, संघित रहो और एजुकेट हो जाओ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संघित रहो। लेकिन यहाँ संघर्ष भी नहीं होता है और संघित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर संघित हो जाए तो हमारी समझ से सिर्फ हमारी ऐसी ऐसी की पॉपुलेशन है, जो मुझे मैं देख रहा था तो कम से कम 26-27% SC/ST की पॉपुलेशन है। आप अपने दम पर कम से कम 100 खासदार आमदार, 100 आमदार बना सकते हैं, अपने दम पर 100 आमदार बना सकते हैं आप। और अगर 100 आमदार बन गए तो बिना आपकी मर्जी की कोई सरकार नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान के अंदर 4 पॉइंट लिखे और प्रीएम्बल में लिखा है, सबसे पहले लिखा गया जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करें, न्याय की बात करें, स्वतंत्रता की बात करी, समता की बात करी और बंधुत्व की बात करी। और न्याय लिखा था, न्याय लिखा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात लिखी था। कम हमें इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, इनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और इनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। इस देश के गैर प्राथमिक जो संगठन है उसे हमेशा हमेशा के लिए कदम लगाना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लिख दिया था और संविधान को लिख करके साथियों बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया था, इसलिए नहीं दिया था साथियों, वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि आप अपने वोट का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक पूर्ति के लिए करेंगे। वोट का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना था, वोट को बाबा साहब ने इसलिए देखा कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं इस देश हुक्मरान वंश में, इसलिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था। और क्या हुआ था, आप उत्तर प्रदेश को छोड़ करके हमारी समझ से कहीं भी हम बाबा साहब की विचारधारा नहीं कर पाए। विचारधारा बढ़ती तभी है जब आप पावर में होते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि क्या चार टाइम पर आप पावर को आगे ऑर्गेनाइज देता है, बिना पावर के तो आप ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता, आपके दुख दर्द कभी हो नहीं सकते, ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको उस टाइम पर आप पावर में पार्लियामेंट की पावर को कब्जा करना पड़ेगा बाई वोट, इसलिए बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया। इसलिए नहीं दिया था कि हम अपने वोटों का डिवाइडेशन कर दें, अपने वोटों को बांट दें और अलग अलग पार्टियों को देना शुरू कर दिया, उससे क्या होता है, जैसे पहले खराब थे वैसे आज भी खराब है, सिचुएशन बदली हुई है। कितने हरेस्टमेंट हुए आपके सामने, आपके सामने ऊना कांड भी हो चुका है, आपके सामने उत्तर प्रदेश का ऊना कांड भी हुआ, आपके सामने इलाहाबाद का तमिलनाडु का भी हुआ, हरियाणा का मिर्च कांड भी हुआ, ऐसे तमाम से कांड है, अभी राजस्थान में अलग कांड भी हुआ, जोधपुर कांड भी हुआ, कितने हरेस्टमेंट हुए, इधर भी हुआ, नागपुर में हुआ, उधर में हुआ और उधर में आए दिन दलितों के साथ एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं चाहता। रोकने का एकमात्र तरीका है आपको हुक्मरान बनना पड़ेगा, जिस दिन आप हुक्मरान बन जाओगे उसी दिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बहु विभिन्न आग उठा कर देगा। उत्तर प्रदेश से माया गांधी मायावती चार पत्र गई, एक भी एक्टिविटी का केस नोटिफाई नहीं हुआ, दिखाई नहीं पड़ा साथियों। और आज हम सरकार में नहीं है तो 11,000 के ऊपर एक्टिविटी केस सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर साथियों है, आए दिन वहां केस होते रहते साथियों। अभी भी केस हुआ, आपने आप सोशल मीडिया के जमाना है,
सोशल मीडिया का कैमरा है, कोई भी कोई बात होती है तो सोशल मीडिया पे आ जाता है। आपने देखा होगा कि घटना है उन्नाव के अंदर तीन दलित लड़कियों को खेत में बांध के मार के गया था, उनके साथ ब्राता भी हुआ होगा सर, ये घटना है छोटी नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी किसकी है, इनको रोकने की जिम्मेवारी भी हमारी और आपकी है। लेकिन बाबा साहब ने आपको पावर दे रखा है, बाबा साहब हमको ऐसे नहीं, बाबा साहब हम मरूम और कमजोर का नहीं गए हैं, बाबा साहब हमको पावर दे गए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पावर है तो वो बोर्ड की पावर है, और इसी बोर्ड की पावर से हम इस देश को ठीक कर सकते हैं, और अपने दलितों को होने वाले अत्याचार को खत्म कर सकते हैं, एजुकेशन को खत्म कर सकते हैं। अपने बाबा साहब का जो ग्रंथ है, जो कंस्टिट्यूशन है, इस कंस्टिट्यूशन को इस देश में लागू कर सकते हैं। आप सबसे तो आप जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब बात करने वाली है, और इसीलिए आप सब लोगों को जितने भी यहाँ पे पार्टी के वर्कर्स बैठे हुए हैं, जितने भी चार सिपाही बैठे हुए हैं, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने वार्ड के अंदर, आप अपने पसंद के अंदर, जिधर जो भी हो, अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भेजने का काम करिए साथियों, जिससे पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का माहौल बनेगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में हमको आसानी होगी। साथियों जब हम पंचायत में, नगर निगम में, वार्ड में अपने प्रत्याशी जिताएंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बनेगा, इससे पैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अगर चुनाव जब आएगा 2024 में हम अपने जो आमदार होते हैं उनको जिता करके इस बार महाराष्ट्र की पार्लियामेंट में भेजने का काम साथियों करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग तन मन धन के साथ मिले गए, मैंने धन का नाम लिया था, धन का नाम मैंने इसलिए लिया है, आप सब जानते हैं ये बहुजन समाज पार्टी है जो बहुजन समाज के लोगों की अपनी पार्टी है, और जो काम करना चाहती है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो एम है, जो बाबा साहब के संविधान का जो एम है, बाबा साहब के संविधान में पढ़ी जाने की है जस्टिस की, और उस जस्टिस के अंदर लिखा हुआ है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन साथियों, और वही गोल आज बहुजन समाज पार्टी का भी है। बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर ये चाहती है कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन बने, इस देश से गरीबी खत्म होनी चाहिए, जातिवाद ऊंच नीच भावना खत्म होनी चाहिए, यही बहुजन समाज पार्टी का भी गोल साथियों है। इससे मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि एक ही पार्टी कोई है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, और एक गरीबों की पार्टी है, किसी झंडा से पैसे चलने वाली पार्टी नहीं है साथियों, और इसका एग्जाम भी देख सकते हैं साथियों, जब उत्तर प्रदेश को जब हमें मौका मिलता है, और जब भी मौका मिला है तो आपने देखा है आशाएं, लाखों करोड़ों गरीबों की आशाएं अगर बनी है इस देश के अंदर, तो
चाहता है,
की जरूरत नहीं था। पूरी शिक्षा को फ्री कर दिया था। मैंने भी बीटेक किया। मैं बैंक में जाया थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बाहर चले जा रहे थे जमा1500 रुपए महीने में 2500 सफाई कर्मी
मध्य प्रदेश की सरकार भर्ती करना चाहती है, अगर सरकारी अमले के हिसाब से भर्ती करे तो कम से कम सरकारी अमले के हिसाब से वोट जाती जो तनख्वाह होती है वो 30 से 25 हजार रुपए महीना होती है, होती ही नहीं होती साथियों, 25 से 30 हजार रुपए महीने तो कहा होती है, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 1500 रुपए महीने में उधर नौकरी निकाली है। आपकी गर्व है तो करना पड़ेगा साथियों, सरकारी नौकरियों के पास बंद कर दिया। आप देखते हैं ट्रेनों के राजा जब ट्रेनों में जा रहे हैं तो उधर भी प्राइवेट हो गया, सारे स्टेशन अदानी ने खरीद लिए, सारे एयरपोर्ट अदानी ने खरीद लिए, ये कंपनी जरा किसने बेचा कोई जानता नहीं साथियों, तो वहां भी कोई काम करेगा तो उंगली प्राइवेट होकर काम करना पड़ेगा, 50 हजार वाला भी 5 हजार की मजबूरी में काम करना पड़ेगा साथियों। इसलिए साथियों पूरी की पूरी साजिश है कि आप जो बहुजन समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं से अपने महापुरुषों के संघर्षों से आगे बढ़ गए हैं, जिस देश में घोषित करने लायक बन गए हैं पढ़ लिख गए हैं, तो बिल्कुल दोबारा उसी खराब से कैसे पहुंचाया जाए उसकी साजिश चल रही है देश का, और तमाम कंपनियों को बेचने काम किया जा रहा है साथियों। हमें जानने की जरूरत होगी और जाकर के हमें बाबा साहब को याद करना है कि बाबा साहब आपके मिशन को हम सब मिलकर पूरा करेंगे, और इस बार 2024 के अंदर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी तब जाके बात करने वाली साथी है, ऐसा जो आप निर्णय ले जाइए, ऐसा निर्णय लेकर हम अपनी पार्टी हमारी जो एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी इसी के लिए सोचेंगे, इसी के लिए काम करेंगे और किसी पार्टी के लिए कोई काम नहीं करेंगे साथियों। तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 2024 ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मेहनत कहीं खराब हो जाए, आपकी मेहनत रंग लाएगी और महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पहुंचेगी, और 2024 में राम ने सबने बहुत अच्छी मेहनत कर ली आप राज्यसभा के अंदर पहुंच गए, तो 2024 में हमारे बहन जी को दिल्ली के कुर्सी बैठाने का काम करेंगे और हमारी मां से भी MP जिताने का भी काम करेंगे साथियों, तब जाके बात करने वाली है, वरना साथियों हमारे और आपके पास प्रस्तावित जवाब कुछ बचने वाला नहीं था, हमारे और आपके पास प्रस्तावित जवाब कुछ नहीं बचने वाला है। जब मैं पार्लियामेंट में बैठता हूँ तो एक तरह तरह के बिल आते हैं, तरह तरह के नियम आते हैं, कानून आते हैं, तो मैं देश के दंग रहता हूँ कि बहुजन समाज के ऊपर प्रभारी चलाई जा रही है, बहुजन समाज के ऊपर प्रभारी चलाई जा रही है, और तमाम बहुजन समाज के MP बैठे हुए हैं और वो पेट साफ रहे ऐसे करके मेरे साफ रहे, और तो ये नहीं पता